हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। तो हिस्ट्री के एमसीक्यूज कर रहे थे हम। हमने एंशियंट एंड मेडिवल हिस्ट्री के एमसीक्यूज कवर कर लिए हैं। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यूज करेंगे। हमारा फोर्थ सेशन है आज, और कल दो सेशंस में हम मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यूज वगैरह देखेंगे। आई होप ये सेशंस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो रहे होंगे। जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उस चीज़ की एक तो चेक हो जाता है, प्लस कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। तो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। द कॉन्ट्रोवर्शियल एल्बर्ट बिल ड्यूरिंग द लेटर पार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी डेल्ट विद व्हाट? एल्बर्ट बिल कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी। ये एल्बर्ट बिल कॉन्ट्रोवर्सी किस से डील करती थी, किस कंटेक्स्ट में ये एल्बर्ट बिल आया था, तो उसको कंटेक्स्ट में हमें क्वेश्चन है। ऑप्शंस देख लेते हैं। इनेबलिंग इंडियन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स एंड सेशन जजेस टू ट्राई यूरोपियंस इन द क्रिमिनल केसेस। सेकेंड ऑप्शन है कर्बिंग द फ्रीडम ऑफ प्रेस, कंडक्टिंग इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस इन इंडिया, एंड राइट टू इनहेरिट एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी टू हिंदू कन्वर्ट्स टू क्रिश्चियनिटी। इन चारों में से किस टॉपिक से, किस कंटेक्स्ट से डील करता था एल्बर्ट बिल, एंड क्यों हुई एल्बर्ट बिल कॉन्ट्रोवर्सी? आंसर क्या रहेगा इसका? आंसर है ए, लॉर्ड रिपन के टाइम पे एल्बर्ट बिल आया था, एंड इसने मतलब इंडियन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को एम्पावर किया था कि वो भी यूरोपियंस को ट्राई कर सकते हैं क्रिमिनल केसेस में। लेकिन मतलब कॉन्ट्रोवर्सी क्यों क्रिएट हो गई? जो यूरोपियंस थे वो अपने आप को रेशियली सुपीरियर मानते थे एंड इंडियंस को रेशियली इन्फीरियर मानते थे। वो उन्हें ये बात डाइजेस्ट ही नहीं हुई, वो ये बात मानने को ही तैयार नहीं थे कि इंडियंस भी उनके इक्वल हो सकते हैं, कि एक लॉर्ड रिपन ने एक इंडियन जज को, इंडियन जजेस को पावर दे दी कि वो यूरोपियंस को ट्राई कर सकते हैं, यूरोपियंस का केस सुन सकते हैं, क्रिमिनल केस सुन सकते हैं। तो वो तो कहते हैं ऐसा तो हम कतई नहीं होने देंगे। तो उन्होंने प्रोटेस्ट मीटिंग्स की, डेमोन्स्ट्रेशंस की, धरने किए, मतलब जो भी लाइक पिटीशंस लिखी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, ब्रिटिश पार्लियामेंट को, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को, गवर्नर जनरल को, मतलब गवर्नर जनरल तो रिपन खुद ही था। तो मतलब ऑल दिस थिंग क्रिएटेड अ कॉन्ट्रोवर्सी के ऐसा करना चाहिए या नहीं होना चाहिए, रिपन ने ऐसा क्यों किया, एंड थिंग्स लाइक दैट। एंड अल्टीमेटली रिपन हैड टू रिलेंट, उसे कुछ चेंजेस करने पड़े थे इस बिल में, यूरोपियंस की बात माननी पड़ी थी। सो दैट वॉज एल्बर्ट बिल कॉन्ट्रोवर्सी 1883-1884 के अराउंड हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ प्लेसेस दी हुई हैं एंड कुछ पर्सन्स के नाम दिए हुए हैं। रिवोल्ट ऑफ 1857 के कंटेक्स्ट में एक क्वेश्चन है, हमने बताना है कि कौन सी प्लेस पे, मतलब जो पेयर्स दिए हुए हैं प्लेसेस एंड पर्सन्स के, क्या वो करेक्टली मैच्ड हैं या नहीं हैं। प्लेस है कानपुर बख्त खान, लखनऊ नाना साहेब, आरा कुंवर सिंह। तो इस कंटेक्स्ट में हमने बताना है कि कौन से लाइक पेयर्स करेक्टली मैच्ड हैं। कानपुर में हु वॉज द लीडर ऑफ द रिवोल्ट? कानपुर में इट वॉज नाना साहेब, तो ये तो गलत दिया हुआ है। लखनऊ में नाना साहेब दिया हुआ है, तो ये भी गलत हो गया। आरा में कुंवर सिंह, आरा कहाँ है? इट्स अ प्लेस इन बिहार। तो यहाँ पर कुंवर सिंह, ही वॉज अ जमींदार ऑफ आरा, यहाँ पर कुंवर सिंह वॉज द लीडर ऑफ द रिवोल्ट, तो ये करेक्टली दिया हुआ है हमें। तो अमंग द ऑप्शंस हम देख सकते हैं कि सी ऑप्शन में 3 ओनली दिया हुआ है, तो दैट वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द सेकेंड कार्नेटिक वॉर, इट केम टू एन एंड बाय? ट्रीटीज़ वगैरह हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि कौन सी वॉर किस ट्रीटी के साथ ख़त्म होती है, ये ट्रीटी किस वॉर के एंड में साइन हुई थी, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहती है। सेकेंड कार्नेटिक वॉर, 3 कार्नेटिक वॉर्स हुई हैं रिगार्डिंग द एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी इन इंडिया। इन वॉर्स को हम कार्नेटिक वॉर्स बोलते हैं। सेकेंड वॉर किस ट्रीटी से ख़त्म हुई है? ट्रीटी ऑफ पेरिस, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ट्रीटी ऑफ एला चैपल, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। क्या आंसर होगा? आंसर है इसका डी, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर ट्रीटी ऑफ एला चैपल से ख़त्म होती है, थर्ड कार्नेटिक वॉर ट्रीटी ऑफ पेरिस से ख़त्म होती है, जो हमें क्वेश्चन था, सेकेंड कार्नेटिक वॉर ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी से ख़त्म होती है। तो ये तीनों ट्रीटीज इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखेंगे। Who among the following established a dual government system in Bengal? Dual administration किसने establish की? Robert Clive, Warren Hastings, Cornwallis या none of the above? ये dual government system क्या था?
द डिवीजन ऑफ गवर्नमेंट इनटू लाइक निजामत एंड दीवानी फंक्शन. द डिवीजन ऑफ गवर्नमेंट फंक्शंस इनटू निजामत एंड दीवानी. एक तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा टैक्सेस कलेक्ट करने की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो जो कंपनी थी आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर 1765 में ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद साइन हुई, इस ट्रीटी ने क्या किया, दीवानी फंक्शंस, रेवेन्यू कलेक्टिंग फंक्शंस ये दे दिए थे ईस्ट इंडिया कंपनी को, लेकिन निजामत फंक्शंस जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले फंक्शंस होते हैं वो दे रिमेंड विद नवाब. तो उससे क्या हुआ, एक डुअल एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिश हो गई वेयर कंपनी वॉज लुकिंग आफ्टर द रेवेन्यू कलेक्शन और द दीवानी फंक्शंस व्हाइल नवाब वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर निजामत फंक्शंस. ये किस पर्सन के किस हु वॉज द पर्सन जिसने प्रोमिनेंट रोल प्ले किया इस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिश करने में, उस कंटेक्स्ट में हमें क्वेश्चन है, आंसर है इसका रॉबर्ट क्लाइव ए. ठीक है बच्चे, आगे मूव करते हैं. द परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ, ये तो ईजी क्वेश्चन है, सबको आता होगा आई गेस. परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवारी सेटलमेंट, महलवारी सेटलमेंट, ये तीन लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स थी जो ब्रिटिश टाइम में इंट्रोड्यूस हुई. क्वेश्चन है हमें परमानेंट सेटलमेंट के कंटेक्स्ट में कि किसके टाइम पे परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस हुई थी, हु प्लेड द प्रोमिनेंट रोल इन इंट्रोड्यूसिंग दिस. वॉरेन हेस्टिंग्स, सर जॉन शोर, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली. अब ऑप्शंस इसके थोड़े से लाइक पेचीदा हैं, आई वुड से. आंसर तो लाइक आप सपनों लाइक आई गेस सबको पता ही होगा, इसका आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस. लेकिन जिन बच्चों ने थोड़ी सी डिटेल में स्टडी किया है उन लोगों को पता होगा कि दो पर्सनैलिटीज ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इस परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस करने में. वन ऑफ कोर्स वॉज लॉर्ड कॉर्नवालिस एंड द अदर वॉज सर जॉन शोर. Now, those people may think, कि इसका आंसर सर जॉन शोर क्यों नहीं है, उन्होंने भी तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इसको इंट्रोड्यूस करने में. लॉर्ड कॉर्नवालिस भी ऑप्शन में है, सर जॉन शोर भी ऑप्शन में है. अब इसका आंसर मिलेगा हमें क्वेश्चन में. हमें ये नहीं क्वेश्चन पूछा गया कि किसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया या किसने कंसेप्चुलाइज किया परमानेंट सेटलमेंट को. हमें क्वेश्चन है कि परमानेंट सेटलमेंट किसके टेन्योर में इंट्रोड्यूस हुआ. तो टेन्योर किसका था, उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था, उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस. सर जॉन शोर भी गवर्नर जनरल बनते हैं लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद, तब तक परमानेंट सेटलमेंट आ चुकी थी. तो आंसर इसका रहेगा लॉर्ड कॉर्नवालिस.